संत रहते थे उनसे हमने पूछा कि रात को महाराज जी उठे क्या, बोले जैसे आपने बिठाया था पूरी रात एक आसन से एकदम मूर्ति की तरह बैठे, बोले भी नहीं कुछ नहीं। तो देखा महाराज जी ध्यान की अवस्था में थे, तो डरते डरते हमने उनके हाथ का स्पर्श किया तो ज्वर नहीं था शरीर में, ज्वर उतर गया था और वो ध्यान में थे। मैंने जब स्पर्श किया श्री सीताराम बोला तो थोड़ी देर बाद वे ध्यान से बाहर। महाराज जी भयंकर से भयंकर शारीरिक व्याधि पीड़ा भगवान की स्मृति की महिमा से वो दुखद नहीं सुखद हो जाती है। हम एक अनुभव सुना रहे हैं आपको। पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, गुरु जी खूब जाते थे खाक चौक में, महाराज जी को वाल्मीकि रामायण की कथा भी गुरु जी ने सुनाई। बड़ा विलक्षण जीवन था उनका, नीम के नीचे खाली तखत पर बैठे रहते थे, परम विरक्तों का। 100 साल पहले महात्मा कैसे रहते होंगे उसका वो नमूना थे महाराज जी। अब दवाई लेते नहीं थे, बहुत पीछे स्वामी श्री बामदेव जी के विशेष आग्रह पर उन्होंने दवाई लेना शुरू किया। पहले किसी तरह की दवाई नहीं लेते थे, ना अंग्रेजी, ना एलोपैथिक, ना आयुर्वेदिक, दवाई नाम से कोई चीज नहीं लेते। स्वामी बामदेव जी ने बहुत विशेष आग्रह किया तो फिर उनके आग्रह से थोड़ी देर, वो ये गीता डॉक्टर नहीं है, बोले ये जो दे देंगे वो ले लेंगे, वो ले लेते थे दवाई। तो महाराज जी को बहुत तेज बुखार हो गया और 100 वर्ष से ऊपर उनकी अवस्था थी। हम पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में थे, खाक चौक आश्रम से सूचना पहुंची कि महाराज जी को बहुत अधिक तेज बुखार, एकदम जल रहा है शरीर, बहुत कांप रहे हैं महाराज जी, आप आ जाओ। तो हम आगे रात्रि को लगभग 9:30 बज रहा होगा, हम आए तो देखा महाराज जी को बहुत जोर का बुखार था, शायद 104-105 डिग्री बुखार हो सकता, इतना तेज बुखार था, एकदम कांप रहा था शरीर। हम तो घबरा गए देख के, महाराज जी नहीं नहीं कोई दवाई ववाई कुछ नहीं, क्यों आए तुम? हमने कहा महाराज जी हमको खबर गई। अरे कौन कौन मूर्ख गया खबर देने के लिए, ये क्या है, तो होता रहता है। हमने कहा महाराज जी बहुत तेज बुखार है, मैं यहाँ लेट जाऊँ रात को? नहीं नहीं हम अकेले रहते हैं, जाओ अपने आसन पर लेटो, यहाँ लेटने का नहीं, लेकिन तुम आ गए हो तो हमको बुखार के कारण बैठने में हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, हमको सहारा लगाकर बिठा दो, आसन से बिठा दो हमको, बस इतना काम कर दो और चले जाओ। तो खूब शरीर उनका जल रहा था, हमने उनको उठाया पीछे सहारा लगा के और महाराज जी आसन पर ऐसे बैठ गए, ऊपर से कपड़ा उड़ा दिया, जैसे वो सहज मुद्रा में बैठते थे बैठ गए। और हमको कहा था, हमने महाराज जी कितने बजे सवेरे आने की आज्ञा है, बोले 5-6 के बीच में आ जाना। ठीक, तो हम लगभग 6:45 उनके निकट पहुँचे। तो वहाँ जो संत रहते थे उनसे हमने पूछा कि रात को महाराज जी उठे क्या, बोले जैसे आपने बिठाया था पूरी रात एक आसन से एकदम मूर्ति की तरह बैठे, बोले भी नहीं कुछ नहीं। तो देखा महाराज जी ध्यान की अवस्था में थे,
तो डरते डरते हमने उनके हाथ का स्पर्श किया तो ज्वर नहीं था शरीर में, ज्वर उतर गया था और वो ध्यान में थे। मैंने जब स्पर्श किया श्री सीताराम बोला तो थोड़ी देर बाद वे ध्यान से बाहर आए और जैसे ही बाह्य दशा में आए आते बोले वाह कितनी रघुनाथ जी की कृपा, बहुत आनंद बहुत आनंद बहुत आनंद, रघुनाथ जी विशेष कृपा करते हैं तब शरीर में रोग उत्पन्न होता है, बुखार आता है, कितनी बड़ी भगवान की कृपा, वाह आनंद हो गए, वाह आनंद हो गए। अब हम सोचें कि इतने तेज बुखार में लोग डॉक्टर को पुकारते हैं और ये तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं बुखार की, बहुत आनंद हो गया, महाराज जी क्या आनंद हो गया। बोले देखो बच्चा तुम जानते हो कि हम अन्न नहीं खाते हैं, दोपहर में एक डेढ़ छटाक साग लेते हैं, शाम को दूध लेते हैं, तो ज्वर में कुछ खाना नहीं चाहिए, तो कल दिन भर का व्रत हो गया बहुत बढ़िया, खूब भगवान के नाम का जप हुआ और रात्रि को तुम बिठा करके गए तो बोले श्री राम नाम महामणि के प्रकाश में इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, हमें तो कष्ट की अनुभूति ही नहीं हुई और बुखार कब आया कब चला गया भी पता नहीं चला। तो यदि बुखार ना आता तो हम कुछ दूध पी करके सो जाते तो उतना समय नष्ट हो जाता हमारा, लेकिन बुखार ने पूरी रात भगवत स्मरण कराया, कितना अच्छा ध्यान बना, कितना बढ़िया भगवान नाम का चिंतन बना, नाम के प्रकाश में, महाराज जी के शब्द हैं, श्री राम नाम महामणि के प्रकाश में बहुत आनंद का अनुभव हुआ, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। हमने यह बात पूज्य भक्तमाली जी को सुनाई तो महाराज ने कहा यही सुख दुख की अनुभूति करने वाला अंतःकरण है, वो अंतःकरण जब भगवान की अनुभूति में लग जाता है तो सुख दुख निवृत्त हो जाते हैं। यह है देहातीत अवस्था, देह से ऊपर उठने की बात। तो प्रारब्ध को रो करके नहीं, प्रसन्नता से भगवत प्रसाद मानकर भोग लेते हैं, प्रारब्ध शेष रह जाएगा तो उसको भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए प्रभु प्रारब्ध भोगने के लिए जन्म न हो, आपकी इच्छा से तो हजार बार जन्म हो कोई इच्छा की बात नहीं, पर जैसे कर्म फल भोगने के लिए वर्तमान शरीर मिला है इस तरह से कर्म के जाल में फंस करके दूसरा जन्म न हो, आपकी नित्य सन्निधि प्राप्त हो, आपका नित्य कैंकर्य प्राप्त हो, यही भगवान के भक्तों का अभीष्ट है।